पार्थो चैटर्जी की बांधवी जो उनकी फ्रेंड थी उनके घर से सेक्स टॉय निकला, ये मैंने नहीं कहा है, ये ईडी ने सीज किया है। वो गलत है आपका, आपका तब फिर होमवर्क गलत है, जरूर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होगा। आप दिखा दीजिए, नहीं नहीं आप दिखा दीजिए मुझे, आप मुझे पेपर दिखा दीजिए, आप मुझे ऐसा कोई भी पेपर दिखा दीजिए जिसमें ये वो मीडिया बाइट दिखा दीजिए मुझे। हाँ प्लीज आप मुझे शेयर कीजिएगा, विदाउट प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के कहीं पर भी बुलडोजर चल नहीं सकता, और अगर चलता है तो उसके लिए कोर्ट का दरवाजा खुला है। मेरी सहानुभूति है ऐसे मौलवी मुल्लाओं के साथ जिनका मदरसा टूट रहा है, और विदाउट किसी डिस्प्यूट के, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के। देखिए कोर्ट जो है ना वो बहुत ट्रांसपेरेंट होती है, कोर्ट किसी धर्म को लेकर के फैसला नहीं करती है। बहुत सारी धमकियां मुझे आ रही हैं कि मुझे यहां पर रिमांड पे उठा लिया जाएगा, वहां से अरेस्ट कर लिया जाएगा, वहां से अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो दीदी जब जब डरती है पुलिस को सामने करके ही लड़ती है। रेप की घटना में साजानों घटना बोलने से नहीं चलेगा। अगर रेपिस्ट मुसलमान है तो उसको रेमिशन ग्राउंड में 400 दिन पहले बेल नहीं मिलना चाहिए। रेपिस्ट रेपिस्ट होता है। केष्टो अनुब्रतो मंडल किस तरह से बीजेपी करने वालों के लिए कहता था कि उसको गांजा कैसे फांसिए दाओ, गांजा कैसे दिए दाओ। हमने करीमपुर की घटना देखी, हमने सुजर जॉर्डन को रोते हुए देखा पार्क स्ट्रीट में, हमने कामदुनी को रोते हुए देखा, हमने कि पुलिस किस तरीके से मतलब स्ट्रीट डॉग की तरह बिहेव कर रही थी। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं नूर आलम। जैसा कि आपने देखा कल पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जिस तरह से तृणमूल को घेरा और नबन्नो चलो अभियान के जरिए पश्चिम बंगाल से दिगर जगहों से नबन्नो घेराव के लिए लोग आए, और पश्चिम बंगाल सरकार ने पुलिस के जरिए जिस तरह से ब्रिगेड लगाया, चाहे संतरागाछी हो या हावड़ा मैदान हो या हावड़ा ब्रिज हो, काफ़ी हिंसा की बातें हुई। इन सारी बातों पर चर्चा करने आए हम बीजेपी कार्यकर्ता नाजिया इलाही खान जी से, और बात करना चाहेंगे कि वो इन सारे मुद्दों पर क्या कहना चाहती है। नाजिया जी, कल जिस तरह से बीजेपी ने तृणमूल को घेरा था, जिस तरह से अभियान चलाया था, आखिर ये नबन्नो घेराव का मकसद क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। क्लियर था, चोर धरो जेल भरो, और क्या था। जो चोरी चमारी, जो जनता का पैसा लूटपाट हो रहा है, जो नोट के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, जो सोना चांदी के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, जो स्कैम चल रहा है, जो ब्राइब चल रहा है, जो पुलिस की वर्दी में दलाली चल रही है, जो पुलिस कॉन्स्टिट्यूशन और आईपीसी सीआरपीसी को नहीं मानने का कसम खाई है, जो पुलिस तिरंगा झंडे का ऑनर ना करते हुए तृणमूल कांग्रेस के जोड़ा फूल के झंडे का ऑनर कर रही है, तो इन्हीं सब चीज़ों को रख करके हमारा बहुत बड़ा एक प्रदर्शन था और बहुत कामयाब रहा है माशाल्लाह। तृणमूल का कहना है कि हम उसकी परमिशन नहीं थी जबकि इस तरह से हुआ, और दूसरी बात जिस तरह से अभियान के दौरान मार्च के दौरान जिस तरह से हिंसा की वारदातें सामने आई, आपने देखा भी होगा वीडियो कि इस चीतपुर के पास पुलिस की वैन को जला दी गई, इसके अलावा एक पुलिस के आला अधिकारी को एसीपी को बुरी तरह से मारा गया, इसको आप किस तरह से देखते हैं। देखिए हिंसा में तो मैंने बिल्कुल देखा है कि किस तरह से पुलिस पत्थर उठा उठा करके हमारे कार्यकर्ताओं पर मार रही थी। हमने ये भी देखा कि किस तरह से पानी के फव्वारे से हमारे कार्यकर्ताओं को हार्म करने की कोशिश की गई। मैंने ये भी देखा कि प्रदर्शन से दो दिन पहले दीदी डर के मारे ढलाई और झलाई स्टार्ट कर दी थी बैरिकेड्स का। मैंने ये भी देखा कि पुलिस किस तरीके से मतलब स्ट्रीट डॉग की तरह बिहेव कर रही थी, धक्का मार रही थी हमारे कार्यकर्ताओं को। मैंने ये भी देखा कि किस तरह से 2011 से लेकर के 2022 तक में हमारे कितने कार्यकर्ताओं का मर्डर किया गया। मैंने ये भी देखा कि केष्टो अनुब्रतो मंडल किस तरह से बीजेपी करने वालों के लिए कहता था कि उसको गांजा कैसे फांसिए दाओ, गांजा कैसे दिए दाओ। हमने करीमपुर की घटना देखी, हमने सुजर जॉर्डन को रोते हुए देखा पार्क स्ट्रीट में, हमने कामदुनी को रोते हुए देखा, हमने अच्छा एक बाइट भी सुना कि बिजनेसमैन को बिजनेस करने नहीं दिया जा रहा है। भाई चोर उचक्के कब से बिजनेसमैन हो गए? चोर छोटे बिजनेसमैन अगर हैं तो फिर पार्थो चैटर्जी तो सही में बहुत बड़ा चोर का सरदार था। जिस तरह से कल बीजेपी ने अपने दमखम दिखाया, और आप जिस तरह से कह रही हैं, ऐसा लगता है कि 2024 के लिए बीजेपी कमर कस चुकी है बंगाल के लिए। देखिए हम जनता के आवाज़ बनने के लिए कमर कस चुके हैं। ये जो चोर उचक्कों की पार्टी है, ये जो चोर चुट्टों की पार्टी है, ये जो चोर की रानी है,
इनको ये बताना जरूरी होगा कि चलना है तो संविधान से चले, चलना है तो लॉ एंड ऑर्डर को संभाल कर चलें। रेप की घटना में साजानों घटना बोलने से नहीं चलेगा। अगर रेपिस्ट मुसलमान है तो उसको रेमिशन ग्राउंड में 400 दिन पहले बेल नहीं मिलना चाहिए। रेपिस्ट रेपिस्ट होता है। ये डिप्लोमेट सियासत कर रही है दीदी। दीदी हमेशा कहती है कि हम सांप्रदायिक है, लेकिन भैया ना हम सर पे ओढ़ना ओढ़ करके लाई लहा पड़ते हैं और ना ही राम का नाम लेने से हम किसी को जेल भेजने की हिम्मत करते हैं। अरे हर हमारे कुरान में लिखा है लकुम दीनकुम वलिया दीन, हम उस पर पालन करेंगे ना, सबका दिन अपने अपने साथ। इसलिए दीदी का देखिए डब्बा खुल चुका है, भाड़ फूट चुका है। आपने कहा एक मीडिया बाइट में एक ने एक कहा था कि दीदी जब जब डरती हैं पुलिस के जरिया लड़ती हैं, कल का ये वाकया जो हुआ इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी हालिया मैंने ईद की नमाज को लेकर के कि दीदी प्रोवोकेटिव और हेटरेट स्पीच ईद की नमाज में रेड रोड में देती हैं, पूरे कुरान में कहीं नहीं इस चीज़ की इजाज़त दी गई है, शायद आप भी मुसलमान हैं तो इस चीज़ की इजाज़त कहीं नहीं दी गई है कि इतने मुबारक जगह पर और इतने खूबसूरत जगह पर आप जा कर के आप अपना पॉलिटिकल एजेंडा और अपना पॉलिटिकल वेंडेटा आप अपना बाहर करें। आप जाइए जा कर के विश कीजिए, लेकिन अभी देखिए बहुत सारी धमकियाँ मुझे आ रही हैं कि मुझे यहाँ पर रिमांड पर उठा लिया जाएगा, वहाँ से अरेस्ट कर लिया जाएगा, वहाँ से अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो दीदी जब जब डरती हैं पुलिस को सामने करके ही लड़ती हैं, तब नहीं है। देखिए पार्थो चैटर्जी की बांधवी जो उनकी फ्रेंड थी उनके घर से सेक्स टॉय निकला, ये मैंने नहीं कहा है, ये ईडी ने सीज किया है, ये ईडी ने सीज किया है। तो श्रीमती ममता बनर्जी ने दुर्गापुर में अपने मंच से कहा है कि वो जिहाद डिक्लेयर कर रही है भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में, तो इसका मतलब ही हो गया कि वो जिहाद रानी है, तो इसलिए मैंने उनका नाम जिहाद रानी रखा है। लेकिन अगर कहीं आप देखेंगे तो कभी भी ममता बनर्जी पार्थो चटर्जी की हमायत के लिए कभी नहीं आई। देखिए पार्थो चटर्जी की हमायत के लिए नहीं आई है, लेकिन वो केस्टों को तो वीर बनाकर लाने की बात कर रही हैं। अब भैया कोई रेपिस्ट चला जाए और उसके लिए मुख्यमंत्री बोले, कोई कैटल स्मगलर चला जाए, कोई गुंडा मवाली चोर उचक्का कोई चला जाए जेल और उसके लिए ये कहा जाए कि हम उसको वीर बनाकर लाएंगे, तो ये तो वीरों की शान में गुस्ताखी हो गई ना भाई, ये तो बहुत बड़ा डेफामेशन हो गया, ये तो डेफामेटिव लैंग्वेज हो गया, ये तो एंटी नेशनल लैंग्वेज हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया मुख्यमंत्री की तरफ से कि एक कैटल स्मगलर जो सीबीआई की तरफ से सीबीआई के अंडर इन्वेस्टिगेशन में है, जो जेल खट रहा है, वो वीर बनकर आएगा। भैया ये कौन सा सरकार है, ये कैसी सरकार है, ये सरकार है ये जेल से निकला हुआ गाड़ी है जिसमें विभिन्न प्रकार के अक्यूज्ड हैं, चोर उचक्का रेपिस्ट स्मगलर, और दीदी हर उन लोगों को सपोर्ट करती हैं जो कल्प्रिट होता है। अभी जो बंगाल के हालात है नाजिया जी, जिस तरह से तृणमूल कई एक नेताओं के घर पैसे पाए गए, एसएससी स्कैम हुए, या अभी जो जिस तरह से बीजेपी के जरिए अभी सियासत चल रही है, तो पश्चिम बंगाल के सियासत को फिलहाल आप किस नज़रिए से देखती हैं? जनता के देखिए जनता की आंखें खुल चुकी है, पार्थो चैटर्जी के मुंह पे चप्पल जनता ने मारा था। हाई कोर्ट में केस्टो की बेटी को, जिसका हम लोगों ने नाच देखा था, बेटी लोगे बड़ो फूल क्या क्या गाना होता है वो तो मुझे आता भी नहीं है, तो वो सब जो देखा था, तो जनता ने बोला था कि गुरूर मेर चोर, गुरूर चोरर में, ये जनता ने बोला था। आज जनता रोड पर उतर रही है, आज बीजेपी कार्यकर्ताओं का हिम्मत जो है वो जनता बन रही है, आज जनता अपनी आवाज़ उठा रही है। एसएससी स्कैम को लेकर के जो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं डेढ़ साल से, वो किसी पार्टी से इन्वॉल्व नहीं है, वो कोई पार्टी नहीं करते, वो अपने दिल का दर्द लेकर के वहाँ पर बैठे हैं, और वहाँ से जो वो आप लोगों को एंटरटेन करते हैं, आप लोगों के सामने अपनी बात रखते हैं मीडिया को, तो क्या वो हमारा मुँह बन के बोलते हैं? नहीं, नहीं बोलते हैं। अभी कल ही मुख्यमंत्री हमारी जिहाद रानी ने बोला, आया सौ भाई हाथ तक तू लो, सौ भाई अपॉइंटमेंट लेटर तक पे गए थे क्यों हाथ तक तू लो ही ना। इसे पूछूंगी जिहाद रानी से पूछूंगी कि ऐसा कौन सा वॉशिंग मशीन रखा है कि जिस बाबुल सुप्रियो ने कभी कहा था कि चामड़ा गूटिए देवो, जो बाबुल सुप्रियो पर ये एलिगेशन था कि उसने हिंदू मुस्लिम का राइट करवाया है, जिस बाबुल सुप्रियो पर लेट मी फिनिश, जिस बाबुल सुप्रियो ने ये कहा था के मुसलमान के अगेंस्ट और मुसलमान के विरोध में ही बात रखी थी, जिस बाबुल सुप्रियो के अगेंस्ट में हर वो मुसलमान खड़ा हो गया था, एक परसेंटेज बढ़ गया था इलेक्शन के वक्त में जब वो टीएमसी से इलेक्शन फाइट कर रहा था, तो टोपी पहनाने का कारोबार स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो नहीं, हमने तो कभी किसी को टोपी पहनकर टोपी पहनाने का काम नहीं किया। हम कोर्ट जाएं
कोर्ट जाएं, कोर्ट जाएं। आज आज अगर कोई मुझे ये कहे कि नाज़िया इलाही खान आपके ऊपर ये एलिगेशन है, मैं कहूँगी कोर्ट जाइए, कोर्ट जाइए, सब जुडिस मैटर है, और जब तक सब जुडिस रहेगा नो बडी कैन क्लेम मी। अच्छी बात कही आपने, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं सीबीआई ईडी बहुत एक्टिव है, चाहे पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, हर जगह पे सीबीआई उस कल्प्रिट, उस करप्ट पॉलिटिशियन के घर पहुंचती है, लेकिन अब तक नहीं देखा गया कोई भी बीजेपी पॉलिटिशियन जो करप्ट है उसके घर सीबीआई ईडी या आईटी पहुंची। क्या ऐसा लगता है कि बीजेपी में सारे ही नेता एकदम हरिश्चंद्रवादी हैं? देखिए मैं आपका ना थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, मैं आप इस बात को मैं अच्छे से तफसील से बताना चाहूँगी ताकि जो व्यूअर्स देखेंगे ना उनको भी क्लियर हो जाएगा। आपके घर में आपकी बहू बेटी को कोई छेड़ेगा आप एक्टिव नहीं होइएगा, आपका कोई पैसा चोरी कर लेगा आप एक्टिव नहीं होइएगा, आपके घर के घर से कोई आपकी संपत्ति उड़ा कर ले जाएगा आप एक्टिव नहीं होइएगा, होइएगा ना। अब रही बात, तो ईडी और सीबीआई भी एक्टिव है क्योंकि जनता का पैसा लूटा जा रहा है। लेट मी फिनिश, मैंने आपसे पहले ही कहा यूपी में और इंदिरापुरम में कई बीजेपी के ऐसे नेता हैं जिनका घर तोड़ दिया गया, जिनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस भागी भागी फिर रही थी कि हम अरेस्ट करें, और वो बीजेपी का नेता था। तो हमारी सरकार है ना भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, योगी जी है ना वहाँ पर। हमारा मतलब ये नहीं है कि कौन अपोजिशन पार्टी का है, हमारा मतलब ये है कि कौन चोर है, कौन डकैत है, कौन क्रिमिनल है, हम उसको पकड़ेंगे, हम सिर्फ उसको पकड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि जब बीजेपी को ऐसा लगेगा कि नाज़िया इलाही खान गलत है तो क्या बीजेपी मेरा साथ देगी? कभी नहीं देगी, कभी नहीं देगी, 1% भी नहीं देगी। जी आखिरी सवाल, जिस तरह से आपने कहा हमने देखा जो जो बीजेपी शासित राज्य है, आपका आसाम हुआ, यूपी हुआ, मदरसे पे बुलडोजर चला दिए गए, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहती हूँ कि कलकत्ता में भी हर उस मदरसे पे बुलडोजर चलना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की ज़मीन है। अगर स्टेट उसको डोनेट कर रही है तो कोई बात नहीं है, लेकिन सेंट्रल से अनुमति लेना पड़ेगा आपको। आसाम में बहुत सारे मदरसे ऐसे थे जिसमें एलिगेशन लगा कि एक मदरिस थे और जिनका किसी आतंकवादी संगठन से या किसी तरह से लेन देन था या कोई टच था, उस बोल करके उस मदरसे को उठा दिया। देखिए मैं आपको ऐसे ऐसे मदरसों का नाम दे सकती हूँ विद प्रूफ कि जिनके घर के बाल बच्चे जो हैं अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं और वो लोग जैगवार गाड़ी पे बैठते हैं, होंडा सिटी कार पे बैठते हैं, बहुत लैविश लाइफ है, और बच्चे जो है वो साग भात खाते हैं, और हम जैसे लोग जब जा करके कंबल डोनेट करते हैं तो उन बच्चों पर बिल्कुल सही हो रहा है। अब आप सोचिए कि यहाँ पर दमदम में कैंटोनमेंट प्रॉपर्टी जो मिलिट्री की प्रॉपर्टी है जिसको या तो मिलिट्री यूज़ कर सकता है और या तो सोशल वेलफेयर के लिए यूज़ किया जा सकता है, तो ऐसी प्रॉपर्टी पर बिल्डिंगें बना बना करके 4400 रुपये, लेट मी फिनिश, 4400 रुपये स्क्वायर फीट करके बेचा जा रहा है जो हरिंदर सिंह बेच रहा है, दमदम म्यूनिसिपलिटी का चेयरमैन, तो क्या ये सही है? बनाओ वहाँ मदरसा, बनाओ ना वहाँ मंदिर, बनाओ वहाँ मस्जिद, बनाओ कैंटोनमेंट प्रॉपर्टी में, तुम मिलिट्री से जाकर के परमिशन लो डिफेंस से। डिफेंस अगर तुमको परमिशन दे रहा है, और डिफेंस कैंटोनमेंट एक्ट में ये कहा गया है कि अगर कैंटोनमेंट प्रॉपर्टी में अगर मिलिट्री अपना अपना प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आप उसको सोशल वेलफेयर के लिए स्टेट जो है वो यूज कर सकता है, तो करो यूज सोशल वेलफेयर के लिए, क्यों नहीं कर रहे हो भाई? दाढ़ी टोपी लगा करके आप करिएगा अपने घर में, आप लंदन बनाइएगा घर के अंदर और बच्चों को दीजिएगा साग भात, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी आप हड़प कीजिएगा और आप उससे कमाइएगा करोड़ों करोड़ों रुपया, तो ये तो चलने नहीं देंगे। जिस मदरसे पे चलाया गया वो प्रॉपर्टी मदरसे की, क्योंकि उससे टीचर का कनेक्शन कहीं ना कहीं आतंकवादी संगठन से जुड़ा। अब जाहिर सी बात है, अब जाहिर, तो आप एक मान लीजिए नहीं तो आप पूरे मदरसे को तोड़ देंगे, ऐसा हो सकता होता है? नहीं, आपका होमवर्क, आपका अगर घर के एक आदमी क्रिमिनल है तो सारे घर के लोग, आपका होमवर्क गलत है, आपका तब फिर होमवर्क गलत है, जरूर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होगा। आप दिखा दीजिए, नहीं आप दिखा दीजिए मुझे, आप मुझे पेपर दिखा दीजिए, आप मुझे ऐसा कोई भी पेपर दिखा दीजिए जिसमें ये वो मीडिया बाइट दिखा दीजिए मुझे, हाँ प्लीज आप मुझे शेयर कीजिएगा। विदाउट प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के कहीं पर भी बुलडोजर चल नहीं सकता, और अगर चल
करता है तो उसके लिए कोर्ट का दरवाजा खुला है। मेरी सहानुभूति है ऐसे मौलवी मुल्लाओं के साथ जिनका मदरसा टूट रहा है और विदाउट किसी डिस्प्यूट के, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के। देखिए कोर्ट जो है ना वो बहुत ट्रांसपेरेंट होती है, कोर्ट किसी धर्म को लेकर के फैसला नहीं करती है, कोर्ट किसी धर्म के बारे में सोच समझ करके फैसला नहीं करती है, कोर्ट अपने कागजों के आधार पर और अपने कानून के आधार पर और संविधान के आधार पर फैसला करती है और उस फैसले को मानने के लिए इस भारत का हर एक सिटीजन उसको सर झुकाना पड़ेगा, संविधान मानना पड़ेगा, हर हाल में मानना पड़ेगा हर एक मैटर में। आप सोचिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये इंफॉर्मेशन, ये नोटिस दी जाती है कि भाई ऐसा ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है, आप एक एफिडेविट जमा कीजिए, आप एक एफिडेविट जमा कीजिए, हम आपकी राय सुनना चाहते हैं। तो कोर्ट कहाँ नेगेटिव या पॉजिटिव कर रहा है, कोर्ट इज वेरी ट्रांसपेरेंट, आईएम इज वेरी ट्रांसपेरेंट। आपके हिसाब से जो बुलडोजर चलाएंगे बिल्कुल सही चलाएंगे, गलत रहेगा तो चलेगा, मदरसे के अंदर अश्लीलता होगी तो चलेगा, मदरसे के मौलवी मुल्लाओं के बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगे और बच्चे और मदरसे के बच्चे साग भात खाएंगे तो एक्शन तो होगा। न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कोलकाता मैरिज हॉल कम कीमत में अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। एंगेजमेंट, शादी ब्याह व दीगर मामलों के लिए कोलकाता मैरिज हॉल बुक करें।